एक गेम आया है, उसका नाम है लॉन बॉल। अगर किसी का पास हेल्प के लिए जाता था तो बोलता था कि गेम ही नहीं जानता है, हम लोग क्यों हेल्प करेगा। जितना जो था 10-12 साल का स्ट्रगल वो सामने आ गया। परफेक्ट लाइन है, 2 down 1 down। आपको लॉन बॉल के बारे में पता है? What? लॉन बॉल। I have no idea what that is. I'm sorry. सुनने से तो लग रहा है बॉल की कोई गेम है, पर मुझे इसके बारे में पता नहीं है। Do you know about lawn ball? What? Lawn ball. Absolutely no idea. Yes, I know. Actually, पूरा डिटेल में नहीं पता, बट इतना पता है कि अपनी इंडिया टीम जीत के आई थी। लॉन बॉल होता क्या है? लॉन बॉल 40x40 का एक ग्राउंड होता है और एक कारपेट की तरह होता है ग्राउंड। ग्रास पे भी खेला जाता है, इंडोर आउटडोर दोनों हो सकते हैं। कारपेट आप मान लीजिए हॉकी के ग्राउंड की तरह हो, और उसके बाद एक छोटी वाली बॉल होती है जिसको हम लोग जैक बोलते हैं। सेंटर में जैक रोल करते हैं। ये जो बॉल है नॉर्मल बॉल नहीं है, एक साइड से भारी है, एक साइड से हल्की है। आपको सिर्फ उसको एंगल देख के फेंकना है 23 मीटर पे, और वहाँ पर एक जैक होता है उसके पास, जिसकी सबसे ज़्यादा पास में आ गई वो टीम जीत जाती है। जब हम लॉन बॉल खेलना स्टार्ट किए, एक ग्रास का ग्रीन था जो कलकत्ता में, और फिर क्या हुआ कि ये हॉकी स्टेडियम है, वहाँ एक कोना था जहाँ थोड़ा सा जगह मिला था हमें प्रैक्टिस करने के लिए। फिर वहीं से हम लोग अपना बिगनिंग लॉन बॉल का स्टार्ट किए। 14 में हम लोग क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे, गर्ल्स और बॉयज़। 18 में भी वो लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे, लेकिन somehow वो फिनिश अप नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे लोग बहुत कमेंट भी किए थे कि इन लोग जाएगा फिर से खेल के आएगा, फिर वही खाली हाथ आएगा, मेडल लेके नहीं आएगा। तो हमारे अंदर जो स्ट्रगल था और जो हमारे अंदर का युद्ध था, उन्होंने मतलब किसी ने नहीं देखा कि कितने नज़दीक जाके हम लोग वापस आए थे। बीस दिन का बाद जब आया बेटी को देखा, दुख भी लगा था। एक बार तो ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बीमार भी था, लेकिन हम लौट के भी नहीं आ सकता था, और मम्मी और हस्बैंड ने बताया भी नहीं कि बीमार है। आरो एवार्ड तो खाना तो लोगों ने एक बार सोचा था कि गेम छोड़ ही दे क्या बेटी के लिए, तो फिर लगा कि इतना साल से खेल रहे तो संभाल लिया खुद को, फिर शुरू किया खेलने के लिए। उसे मेरा बात नहीं मानती था, आज कोई नहीं जानता। मेरे हस्बैंड एक दिन पहले उसको हम रोज़ बोलते कि हम नहीं जाएंगे, हमको बैठा के समझाया तुम जाओ इस बार खेलने जाओ, तो हम बोले नहीं धोनी हमको बिल्कुल नहीं जाना, मेरा एकदम अब इच्छा ही नहीं है कि हम खेले। 2 बार तो हो गया ना, हाथ में आया और मेडल चला गया। हम बोले क्या गारंटी कि इस बार आएगा, कोरोना का टाइम भी था, प्रैक्टिस भी नहीं हुआ है, और मतलब मन में ये इच्छा भी नहीं है कि अब हम जाके खेले। मेरे अंदर भी यही था कि शादी हो गई मैं नहीं खेलूंगी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि इतने साल तुमने अपना समय तुमने दिया, तो लास्ट बार कोशिश कर लो। मेरे हस्बैंड को बोला कि इस बार भी मेडल लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे। उसने बोला मैं हूँ ना, कोई बात नहीं। फिर देखा कैंप हो रहा है, सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है, कोच ही नहीं आए। हमें बोला गया था आपके कोच आएंगे, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल और वहाँ से कुछ हो नहीं रहा था कोच का भी कि कैसे आ रहे क्या हैं। तो हमारे यहाँ पर जितने भी जैसे जो रेफरी हैं हमारी गेम के, जो हमें जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हर एक महीने के लिए हर कोई आया, हर एक चीज़ हमारी ड्रिल हुई, हमारे मैचेस हुए। We had not proven ourselves in the past. So when we requested for a coach, based on the past experience, it wasn't allowed. That point of time, we all like realized, now we are on our own. इस बार अगर मेडल नहीं आता है लॉन बॉल का, तो अगले बार से टीम लॉन बॉल का नहीं भेजा जाएगा।
हम चारों का ना ध्यान क्वार्टर फाइनल में ही था कि क्वार्टर फाइनल तो निकलना। हम लोग चारों एक ही बात बोले, इस बार एक पॉइंट से नहीं, कुछ करके ही निकलना है। उसके बाद हमारा सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के साथ। मैं वही सिचुएशन आ गया था जो 2010 कॉमनवेल्थ में था, वहाँ पर मैं बॉल डाल नहीं पाई थी, जो चीज़ करना था वो लास्ट बॉल में नहीं कर पाई थी, और इसलिए मैंने वो शॉट खेला और फाइनल में प्रवेश किया। जैसे ही हम सेमीफाइनल जीते, मेरी आंख से खुद आंसू निकलने लगा और हम 15 साल पीछे चले गए जो जो मेरे साथ हुआ। आज ये मेडल लेने से इंडिया में लॉन बॉल को जानेंगे, लॉन बॉल को हम लोग जिंदा कर दिए। फिर हम लोग साउथ अफ्रीका के साथ हमारा फाइनल था। हम सब ने डिसीजन लिया कि आप लाइफ का ये लास्ट शॉट सोच के खेलो। उसके बाद लास्ट के दो एंड बचे थे जिसमें हम लोगों ने फिर दो लिया और तीन लिया, उसमें मैच खत्म हुआ। और जितने लोग देख रहे हैं लाइफ में और जो मेरे साथ हुआ है, मतलब वो एक आंसर था अपने आप मेरी लाइफ के लिए था कि ये आंसर मैं किसी को बोल के ना दूँ, कुछ करके दूँ। जितना जो था 10-12 साल का स्ट्रगल वो साथ में आ गया।